हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत, आप देख रहे हो इजी डीटीएच यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कैसे एक सैट फाइंडर बनाया जाता है। इसके लिए एक एलईडी डिस्प्ले चाहिए। तो ये 4.3 इंच का एक डिस्प्ले है, ये मेनली गाड़ी में लगता है और ये अमेजोन से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और एक चाहिए सेटअप बॉक्स, तो ये सॉलिड का 8181 जो बॉक्स है वो है, ये छोटा है और काफी अच्छा ही है, इसलिए मैंने इसको चुना है। और इसका जो हार्डवेयर वर्शन है, इसका जो ट्रांसपॉन्डर लिस्ट है वो काफी अच्छा है और सिग्नल भी बहुत तुरंत पकड़ लेता है। तो सबसे पहले बॉक्स को खोल लेते हैं। पीछे दो स्क्रू लगा हुआ रहता है और साइड से आपका जो थोड़ा सा स्क्रू से प्रेशर देने पर ये बॉक्स ओपन हो जाता है। तो आप जब इसे ओपन करते हो तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा ये टूट फूट ना जाए, बहुत आसानी से ये खुल जाएगा अगर ध्यान से खोलते हो। तो पहले तो इसे हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों, ये बॉक्स खोल गया और अभी ये जो एलईडी डिस्प्ले है इसका वायर को जोड़ेंगे सर्किट बोर्ड के साथ। तो इसके लिए ये वीडियो आउट है, ये भी वीडियो है और ये पावर के लिए है। तो जितना चाहिए, मतलब कि लगभग इतना सा हमको वायर चाहिए, तो यहाँ से हम काट दे रहे हैं। और ये जो एलईडी डिस्प्ले है इसका जो वायर काटा हुआ है इसको हम छील लेते हैं और इसके अंदर से जो वायर है उसे निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर कितना वायर है देख लेते हैं। दोस्तों, देख सकते हो इसके अंदर चार वायर है, जिनमें से दो पावर का है और एक दो वीडियो का है, तो सिर्फ येलो वाला ही लेंगे। और कंटिन्यूटी मोड में जाके देख लेते हैं सेटअप बॉक्स का वीडियो आउट कौन सा है। ये सबसे पहला वाला आता है, तो सर्किट बोर्ड में ये वीडियो इन है और वीडियो आउट है, सॉरी। तो वीडियो आउट का ये सबसे अंदर का जो है उसी का वीडियो आउट देगा। तो अभी सोल्डर आयरन की मदद से तार को झाल लेंगे। वायर के सामने थोड़ा सोल्डर लगा लेते हैं। अभी सर्किट बोर्ड को खोलना पड़ेगा क्योंकि पावर देने के लिए मेन जो आपका जहां से एडाप्टर का पावर आता है उसी पॉइंट पे हम सोल्डर करेंगे। अभी देख सकते हो सर्किट बोर्ड को हमने निकाल लिया है और यहाँ पे देख सकते हो 12 वोल्ट और ग्राउंड है। सबसे पहले एलईडी डिस्प्ले का जो वायर है वो जहां से सेटअप बॉक्स के अंदर जाएगा वहां पे एक छेद कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा फिनिशिंग कर लेते हैं और जो वायर है उसको यहां से अंदर कर ले लेते हैं। तो ये अंदर आ गया। अभी दोस्तों, जो ब्लैक एंड रेड वायर है वही पावर का है, तो यहाँ पे पावर को वायर हम सोल्डर करते रहे। ये लग गया। और जो है वीडियो का वो है येलो, व्हाइट वाला भी वीडियो ही ना, मगर वो वायर हम नहीं लेंगे। तो ये वाला जो वायर है इसको यहाँ पे लगा दे रहे हैं क्योंकि ये वीडियो आउट है, तो ये लग गया। और ये जो ब्लैक वायर जिसके अंदर था उसी को यहाँ पे एक स्क्रू देंगे ताकि तार को अगर हम खींचेंगे तो ये टूट ना जाए, और इसको सर्किट बोर्ड के ऊपर जो स्क्रू था उसी के साथ यहाँ पे लगा देंगे। एलएनबी का जो पॉइंट है उसी को भी खोलना पड़ा था, तो उसको हम लगा दिए हैं। और ये कनेक्शन देख सकते हो दोस्तों, आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हो। और अभी सेटअप बॉक्स का जो ऊपर का ढक्कन वाला है उसे भी हम यहाँ पे लगा दे रहे। ये देखो दोस्तों, ये लग गया। अभी एलईडी डिस्प्ले को देखो, इसके नीचे एक व्हाइट वाला जो टेप है उसको जैसे ही आप हटाओगे तो नीचे गम लगा हुआ रहता है, तो सेटअप बॉक्स सिर्फ मिडिल में बिल्कुल बीचों बीच हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा एक पूरी तरह बहुत ही अच्छा एक सेट फाइंडर। देख सकते हो दोस्तों, ये जो डिस्प्ले है ये मूव भी होता है, ठीक है। और अभी सेटअप बॉक्स को बंद कर दे रहे हैं। अभी एक बार पावर देके चेक करेंगे, अगर ठीक है उसके बाद एक सैटेलाइट को ट्रैक करके देखेंगे कितना अच्छा ये परफॉर्म करता है। पावर देके चेक कर लेते हैं एलईडी डिस्प्ले के अंदर पिक्चर आ रहा है कि नहीं। स्विच को ऑन कर लेते हैं, देख सकते हो दोस्तों सॉलिड लिखा आ गया। चलिए चेक कर लेते हैं, अभी बाहर आ गए और डेडी फिडिश को हम सेट करके देखेंगे कितना सिग्नल यहाँ पे आता है और पिक्चर क्वालिटी भी चेक करेंगे। ट्रांसपॉन्डर जो है 11090, पोलैरिटी वर्टिकल 2950 सिम्बुलेट रखे। अभी डिश को मूव करेंगे,
अभी सिग्नल आना चाहिए, तो देख लेते हैं सिग्नल कितना आता है, क्योंकि ये 8181 जो बॉक्स है इसमें बहुत ही अच्छा सिग्नल मिल जाता है। तो देख सकते हो दोस्तों बहुत ही अच्छा सिग्नल मिला है, अभी 80 के आसपास सिग्नल। अभी देखो पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों कोई महंगा वाला सैट फाइंडर लेने से तो अच्छा है कि एक सैट फाइंडर बनाया जाए घर में। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना।